बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोविया फैसल। रिवायतों की लज्जत में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिवायतों की लज्जत यानी खानों की लज्जत, हमारे इस प्रोग्राम की कोशिश होती है कि वो रिवायती खाना जो किसी न किसी इलाके से उसका ताल्लुक होता है वो उसी इलाके तक महदूद ना रह जाए, इसलिए हम उसको यहाँ लेकर आते हैं अपने किचन में, ताकि वो सीक्रेट रेसिपी जो उस इलाके की है वो उसी इलाके तक महदूद ना रह जाए और आप तक पहुँच सके और हमारे किचन के थ्रू आपके किचन की रौनक बन सके। हम जो कराची वाले लोग होते हैं, पाकिस्तानी लोगों की अगर बात की जाए, तो अगर हम कोई गेट टुगेदर्स प्लान करते हैं या कोई भी इवेंट होता है, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि भाई खाने में क्या है। खाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल आपको पता है कि हमारी जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा टफ है और इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल के साथ हम खाना मैनेज नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि टाइम की कमी की वजह से आप अच्छे खाने की तरफ नहीं जा पाते, तो हम आपके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अपने किचन के थ्रू आपके लिए लेकर आएँ वो खाने जो जायकेदार भी हों, लजीज भी हों और कम से कम वक्त में झटपट से बन जाएं। तो इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आज की अपनी शेफ को बुलाते हैं जिनका नाम है वजीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ वजीहा, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। वजीहा हमारे प्रोग्राम में बताती चलूँ कि पहले भी आ चुकी हैं और बहुत ही मज़े के खाने बनाती हैं। हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको आपकी बनाई हुई रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए हमने दोबारा वजीहा को बुलाया ताकि हम इनसे और कुछ अच्छी सी रेसिपी सीख सकें। बिल्कुल वजीहा, थैंक यू सो मच कि सबने पसंद किया और आपने मुझे दोबारा बुलाया। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। सरसों का साग थोड़ी मेहनत है लेकिन बहुत मज़े का बनता है और इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन वजीहा यहाँ पे मौजूद है तो वो बताएंगी कि थोड़े से वक्त में इतनी मेहनत वाला खाना कैसे बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इंग्रेडिएंट्स बताएं इसके। बिल्कुल बता दें। ठीक है, हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का साग है, बथुआ है, पालक और मेथी है। अब हमने इसके सरसों का साग है, पालक है और बथुआ मेथी। बथुआ क्या होता है? ये बथुआ भी एक साग होता है। अच्छा, ये भी एक साग होता है। अब इसकी क्वांटिटी हमने ऐसे लेनी है, हमने एक किलो हमने साग लिया सरसों का। अच्छा, तो हम आधा किलो इसमें हम पालक लेंगे, आधा पाव मेथी और एक पाव बथुआ। आधी क्वांटिटी करते जाएंगे क्योंकि बथुआ थोड़ा सा कड़वा होता है, मेथी भी थोड़ी सी कड़वी होती है। अच्छा ठीक है, तो इस वजह से हमने उसकी क्वांटिटी और कम कर दी है। ओके ठीक है, जबरदस्त। इसमें जाएगा लहसुन अदरक कुटा हुआ, हमने फ्रेश कूटा है, पिसा हुआ नहीं इस्तेमाल करेंगे। पिसा हुआ भाई हम नहीं ले रहे क्योंकि थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। अगर इतना अच्छा खाना खा रहे हैं और वहाँ के खाने को मिस कर रहे हैं, तो फिर वो लोग जो रिवायती लोग होते थे उसी वक्त मसाले को पीस कर कूट कर उसी वक्त डाला करते थे। हाँ, टेस्ट भी खाने में उसी वक्त आता है जब ताज़ा बना हुआ हो। बिल्कुल, और सब चीज़ें फ्रेश हो। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमने पानी बॉईल होने रखा था, ये देखें। ठीक है ठीक है, अब स्टोव ऑन करना है। स्टोव, ठीक है ठीक है, नो ये ऑन हो गया। ठीक है, अब हम इसमें डाल रहे हैं, देखें इस पानी बॉईल हो रहा है। पानी में कुछ नहीं डाला, मेरे साथ है लेकिन चूंकि आप दूसरी बार आई हैं तो आपके साथ भी दोस्ती है। चलें, अच्छा मैं आपको बताती हूं, हमने सिर्फ पानी बॉईल करा है। वो इसलिए हमने पहले होने रख दिया था कि टाइम कम होता है, आपको पता है थोड़ा इसको घोटना होता है, इसलिए ये हम डाल रहे हैं इसमें सरसों पूरा। ठीक है, ये हमने एक किलो लेते हैं ना तो बहुत थोड़ा सा ही निकलता है क्योंकि नीचे इसके डंठल वगैरह होते हैं, उन्हें कटिंग करके धोना बहुत अच्छी तरह। ये हमने बथुआ है, ठीक है ये भी डाल दिया, ये पालक और मेथी है, ठीक है ये हमने डाल दी। अच्छा, बथुए की रोटी भी बनती है, आपको पता है मेथी की भी रोटी बनती है। सुना तो है लेकिन बहुत ही कोई मेहनत वाला काम लगता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। मैं बताती हूँ, ये देखिए इसमें हमने 1 टेबल स्पून हमने अदरक डाल दिया कुटा हुआ, फ्रेश कुटा हुआ। अदरक है सिर्फ, ये लहसुन भी है? लहसुन है, लहसुन भी है, लहसुन ही हम डाल रहे हैं। ठीक है, 1 टेबल स्पून। ठीक है, लहसुन अलग से बता रही हूँ, हमने अदरक अलग से रखा है, दोनों को फ्रेशली हमने जो है वो मोटा मोटा कूट लिया है। बिल्कुल, नमक हम थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि ये कड़वा होता है थोड़ा सा, बथुआ भी मेथी भी पालक भी हल्की सी कड़वाहट होती है। ठीक है, तो हम इसमें मतलब हम 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून? 1 टीस्पून, 1 टीस्पून। टेबलस्पून तो बहुत ज्यादा। ये हमने 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी। ठीक है, अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे, आपको पता है अगर आपके पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं। लाल मिर्च वैसे सब्जियों में, इस तरह की जो ग्रीन सब्जियां होती है, ना ऐड करें, ना करें, ये ग्रीन चिली में बनती है। असल में साग तो बनता ही ग्रीन चिली में, बिल्कुल। हमारे यहाँ भी जो पालक वगैरह बनती है वो ग्रीन चिलीज में बनती है, तो उसका अपना ही टेस्ट होता है। हल्दी वगैरह डाल देते हैं कलर के लिए, लेकिन लाल मिर्च हम लोग यूज नहीं करते। हम भी नहीं करते, रखी हुई अगर डालना चाहे डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डाल सकते, लेकिन फ्लेवर अच्छा ग्रीन चिली से आता है। ये हम 4 to 5 डाल रहे हैं क्योंकि ये घुटने के बाद बहुत थोड़ा हो जाएगा और ये अभी पानी भी छोड़ेगा। कोई ये ना समझे कि ये बस बन गया तो बस ठीक है, अभी हो गया। ग्रीन पत्तों वाली जो सब्जी होती है वो बहुत ज्यादा ज्यादा लगती है, लेकिन जब ये बन जाती है तो आपको पता है कि बहुत सुकड़ के थोड़ी सी हो जाती है। बिल्कुल। अब हमने इसको रख दिया है, हमने इसे रख दिया। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बथुए की रोटी और साग की रोटी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा इसको अच्छे से धोना है, वो तरीका पहले बताएं। वो इसलिए कि हम जब इसके डंठल्स तोड़ते हैं, कटिंग कर लें या कटिंग के बिना कटिंग करेंगे, पानी में इसे भिगो दें फिर आप निकालें, क्योंकि इसमें जो वेन्स होती है ना छोटी छोटी, आपने देखा होगा पालक में सब में, उसमें रेत जमा होती है क्योंकि मिट्टी में होते हैं ना, मतलब खाद होती है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरह धोए वरना खाने में ना करकराहट सी आ जाती है, और वो गंदगी मिट्टी रह जाती। 3 से 4 बार तो ये धुलता ही धुलता है। ठीक है, ठीक है। आप जब इसे भिगोएंगे ना, आप देखेंगे ना पानी से, आप इसे जब ड्रेन आउट करेंगे बिल्कुल, तो नीचे रेत मिट्टी सी होती है, बहुत गंदा हो जाता है। पालक वगैरह मैंने वॉश करके देखी है, इसको बथुआ को तो नहीं यूज किया बट सेम ही है। हाँ, पत्तों वाली सब्जी है ना, तो ठीक है, उसमें जम जाती है मिट्टी। रोटी के हवाले से आप कुछ बता रही थी। हम बथुए की रोटी भी बनती है और मेथी की रोटी भी बनती है। अच्छा, वो कैसे बनती है? कुछ भी नहीं, बस आपने कटिंग करना बहुत बारीक, बहुत बारीक, और स्टीम देनी है। अच्छा, मतलब आपने पानी नहीं डालना एक्स्ट्रा। आप जब हम कोई हल्की आंच पे पालक भी रखते हैं ना, तो वो अपना पानी छोड़ देता है। आपने देखा हम बथुआ रखेंगे, मेथी रखेंगे, वो पानी छोड़ेगा, ठीक है, उसी में वो थोड़ा पक जाए, ठीक है। फिर हम आटा लेंगे, उसमें वो डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च या ग्रीन चिली जो आपने डालनी है चॉप करके। तो वो जो स्टीम वाला होता है अपना पानी छोड़ेगा, तो उसको ड्राई करेंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ड्राई भी नहीं करना, क्यों करना है ड्राई? तो कितनी देर आटा भूनना है हमने, वो उसमें डाल दिया वही वाला पानी, ठीक है। और फिर नॉर्मल बस ये स्टीम कितनी देर के लिए उसको रखेंगे? 5 मिनट। अच्छा, बस इतना कि वो गल जाए, ये ना हो कि ब्लैक पे चला जाए बिल्कुल, क्योंकि जब हम ग्रीन सब्जी कोई भी पकाते हैं ज्यादा ओवर कुक कर दे तो वो ब्लैक जो है इतनी फूली फूली से नजर आती है, तो वो अपनी कम हो जाए सुकड़ जाए। हम कोई भी चीज ओवर कुक करते हैं उसका रंग चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है वो ब्लैक में चली जाती है, हत्ता कि गोश्त को हम जब ज्यादा भून लें वो भी ब्लैक के शेड पे चला जाता है, या प्याज कभी ज्यादा ब्राउन हो जाए और पुलाव में डल जाए तो चावलों का रंग भी ब्राउन सा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। तो फिर वो स्टीम किया हुआ बथुआ हम आटे में शामिल करें, नमक डालें, और अगर अगर थोड़ा सा आइस पसंद है आपको, ग्रीन चिली चॉप करके आप उसमें डालें, आटा गूंदे, रोटी बनाए। लेकिन रोटी पूरी प्रॉपर गोल नहीं बनती, किनारे टूटे टूटे से बनते हैं। अच्छा, बन जाते हैं। और फिर उसको किसके साथ खाते हैं? साग के साथ ही खाया जाता है। अच्छा, वाओ, तो साग बनाकर बथुए की रोटी के साथ भी उसको खा सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो फिर नॉर्मल रोटी से भी खाया जा सकता है। मतलब कहते हैं ना सरसों का साग, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, मकई की रोटी, वो इन चीजों के ज्यादा साथ सर्व होता है। ये ट्रेडिशनल सी डिश है, और उसे मक्खन या असली घी खुद बना के अगर आपने रखा हुआ तो उसके साथ कच्ची लस्सी के साथ खाया जाता है, नॉर्मल लस्सी के साथ नहीं खाया जाता। बस ये खाने तो ये है कि हम जो कराची के लोग हैं थोड़े से नाजुक से होते हैं, तो ये सारी चीजें हम सुन ही सकते हैं। जब खाने बैठते हैं तो डाइजेशन हो नहीं पाता वो खाना हमसे इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत टेस्ट ही कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और हमें इतना रेगुलरली खाने की आदत भी नहीं होती है, हमें दूसरी चीजें, देसी चीजें खाने की आदत, आजकल मिलावट वाली चीजें इतनी ज्यादा है, तो देसी खाने तो बिल्कुल ही हमसे दूर चले गए, और दोस्ती है ही नहीं। लेकिन आपको पता है इसके फायदे भी बहुत है, बहुत है। लेकिन मैं कह रही हूँ हमारी दोस्ती है ही नहीं उन खानों से, खाने बैठते हैं और तबियत खराब हो जाती है। बिल्कुल, हजूर पाक कहते हैं कि अगर मेथी तुम्हें सोने के भाव भी मिले ना, उसे लेके खाओ, 40 दिन खाओगे रंग चीजें सब सही। अच्छा, मेथी की चटनी भी तो बनती है। मेथी की चटनी वो जिस तरह जो खा सके, मतलब ये है कि आप मेथी, मैं तो स्टीम करके खा लेती। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं करती, हल्की सी प्याज, नमक, लाल मिर्च सौटे किया, मेथी डाली, उसे बस दम दिया, उसने अपना पानी छोड़ा ना, वो खा लो। क्योंकि हम जब भूनते हैं ना तो सारे विटामिन सारी चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, कितना टाइम इसको बचेगा? ये देखें, ये अभी इसमें पक रहा है, ठीक है। अब इसी में हम इसे घोटना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी है। ठीक है, ये इसी तरह पकता है घोट के। ठीक है, ठीक है, ये मशीनों का काम नहीं है। इसको यहाँ पे घोट रही है जब तक यहाँ बिल्कुल ब्रेक का, तो ब्रेक ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले लें आप, कुछ नहीं डालना इसमें, इंग्रेडिएंट्स खत्म। ठीक है, बंगाल लगे जनाब, देख लें कि ये जो मेथी है इसको हमने बनने के लिए रख दिया है, वजिया इसको घूट रही है, तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, छोटा सा ब्रेक लें और जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आ जाएं।
जी जनाब, रिवायतों की लज्जत के किचन में शेफ वजीहा हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ क्या हो रहा था ब्रेक में जाने से पहले, वजीहा जरा बताएंगे आपने ब्रेक में क्या किया? हमने सरसों का साग चढ़ाया था आपके सामने, और फिर उसके बाद हमने सिर्फ घोटा है। अच्छा, हम लकड़ी के घोटने से भी घोट सकते हैं, जिससे लस्सी बनती है इसमें वो होता है, हम उससे भी घोट सकते हैं, हम मैशर से भी कर सकते हैं, पर इसे घोटना है। अब ये देखिए, हमने इसे इतना घोट लिया है कि ये घोटने का पेशावा नहीं है, बता दें भाई, कुछ भी नहीं है। घोटने से ऐसे हलीम घोटा जाता है, जैसे घोटा जाता है वैसे उसको चलाना है बिल्कुल, क्योंकि जब हम चलाते जाएंगे, क्योंकि हमने सारी सब्जियां बारीक काटी थी तो वो पहले ही बारीक थी, तो वो पालक तो वैसे ही बहुत नरम होकर सॉफ्ट होकर घुलने लगती है, तो जब हम उसको और घोटेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। देखें, बिल्कुल मैश नहीं है, ये शक्ल दिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चटनी नहीं होती दरदरी टाइप की, वैसी है। ठीक है, वो खवातीन जिनका घर बैठे बैठे मसला होता है कि भाई घोटने का तरीका बता दे, जैसे मैंने पूछा तो कैसे उन्होंने डांट के बोला कि भाई कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे हलीम को घोटते हैं वैसे घोटेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, साग दो तरह के बनते हैं, एक बिल्कुल जो सूखा हुआ होता है ड्राई, मतलब उसे भून दो तो वो घुटा हुआ जो होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है। ठीक है, एक बनता है थोड़ा इस टाइप का, जैसे ये है खाने वाला, जैसे सालन टाइप का थोड़ा। ठीक है, अब हम इसमें, ये पहले ही गाढ़ा है देखें, अब हम इसको गाढ़ा और करने के लिए, जैसे हल्कल का जो पानी है इसका, उसमें हम सिर्फ 2-3 टेबल स्पून हमने आटा है, कॉर्नफ्लावर नहीं है ये। अच्छा, आटा कौन सा, मैदे का? नहीं नहीं, मैदा अलग होता है, आटा, आटा चक्की का आटा ले लें, गंदुम का आटा, गंदुम का आटा लिया है। अब हम इसे जब लेंगे, अच्छा हमने एकदम ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम ज्यादा डालेंगे तो ये कॉर्नफ्लावर का काम करता है, ऐसे निहारी में होता है। अच्छा, हमें इसे थोड़ा देख के डालना होगा कि ये एकदम ही स्टिकी टाइप का ना हो जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने डाला है ना, 2 मिनट इसे हम और पकाएंगे, ये देखिए हो गया, देखिए आके चेक करें, दिखा दें जी, जबरदस्त से ये तैयार है। और इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ आटा जो आपके घरों में मौजूद होता है, गंदम का आटा हमने लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा सा उसका पेस्ट बना लिया है हमने। और वो कितना टेबलस्पून? 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, वो आप अपनी कंसिस्टेंसी देख के आप डालेंगे। ठीक है, जैसे अब ये गाढ़ा हो रहा है, जैसे हमने पानी ज़्यादा नहीं छोड़ा था, हमने पानी ड्राई कर लिया था, घोटते ही घोटते हमने इसे बनाया तो पानी ड्राई हो गया, तो पानी था नहीं इसलिए आटा कम गया है। ठीक है, आप अपना आटा देख के डालें, ये देखें इसमें पानी ज्यादा होगा तो थोड़ा सा लाइक ग्रेवी की तरह गाढ़ा हो जाए, जैसे निहारी में हम बिल्कुल आटा फिर उसमें ज्यादा डलता है। अभी हमने आटा बहुत कम डाला और ये देखें हो गया। हाँ, इसे बनाते हुए थोड़ा मैसी होता है, ये उछलता बहुत। हाँ, ये तो है, नजर आ रहा है मुझे। अब हम इसका हम भंगार तैयार करते हैं। इसका है? कोई वो नहीं है कि 2 टेबलस्पून डालना है या 3 टेबलस्पून डालना, वो आप है देख के डालें। जैसे निहारी में हम अंदाजे के हिसाब से डालते हैं कि कितनी गाढ़ी आपको रखनी है, उसी हिसाब से इसमें आटा जो है वो जाएगा। बिल्कुल, जैसे हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं सूप में, बिल्कुल हाँ, वो भी अपने हिसाब से, उसका भी कोई ये नहीं है कि आपने 2 टेबलस्पून डालना है या 3 टेबलस्पून डालना है, वो आप देख। अच्छा, क्या हम दूसरे स्टोव पे आप कुछ कर रही हैं? हाँ, ये भंगार बनाएंगे क्योंकि ये रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे, इसको हम भंगार डालेंगे। इतनी जल्दी रेडी हो गया, देखिए कैसी झटपट सी रेसिपी है। लोग समझते हैं साग बनाना कोई बहुत ही मुश्किल काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, इतनी आसानी से जल्दी से बन जाता है, बस जो टाइम लगता है इसको थोड़ा सा कट करने में लगता है और उसको अच्छे से धोने में लगता है, तड़का घोटने में भी लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, देखिए हो गया, अब हम इसको ऑन करेंगे, कर दूं मैं आपकी? हाँ, इसको कर दें, ये मुझसे नहीं हो रहा, इससे मेरी दोस्ती खत्म हो गई है। खत्म हो गई आपकी दोस्ती? चले मैं ट्राई करती हूँ, हो गई इतनी आसानी से मेरी तो दोस्ती अच्छे से हो गई है। उनको पता है खाना वाना बनाती नहीं है, कभी कभी ब्लेंडर को खोल बंद कर देती है, कभी कभी स्टोव को ऑन कर देती है, बंद कर देती है, यही काम है मेरा। बिल्कुल, तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इसकी। अच्छा, इसमें आपने कितना ऑयल लिया है? जैसे भंगार का लिया जाता है अपने हिसाब से, कुछ लोगों को ऑयल ज्यादा पसंद है वो ज्यादा ले। अच्छा, मैंने कम ऑयल इसलिए लिया है इसमें क्योंकि मैं मक्खन डालूंगी इसके ऊपर। अच्छा, ऊपर से डालेंगी मक्खन? हाँ, असली घी आप डाल ले या वाइट मक्खन जो आता है, जो घर में निकाला जाता है, वो आप इस पे डाल के खाएं, उससे और मजे का लगता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है। साग जो है बन रहा है देसी, वही जो रिवायती खाना जो पहले के जमाने में लोग खाया करते थे, भाई वही चीज है। तो आपने फिर वैसे ऑयल कम लिया है, लेकिन कितना लिया है? जैसे आपने, मैंने दिया है 1/4 कप, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, सिर्फ ये देख लेना कितना सा है। ठीक है, और इसमें आपने लहसुन डाल दिया? लहसुन 3 से 4 जमे कटिंग करके हमने इसमें डाल दिया। हम इसमें गोला मिर्च भी एंड में डालेंगे कलर के लिए। ठीक है ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप डालें ना डालें। ये गोल लाल मिर्च है ना? गोल लाल मिर्च। ठीक है, वो इसमें ऐड करेंगे। ये पक गया हमारा। ठीक है, जबरदस्त, सही है। ओके, और आई थिंक ये हो गया है। इसके लिए आपको कुछ चाहिए, स्पून वगैरह? इसमें करेंगे ना सर्विंग इसकी? हाँ, नहीं सर्विंग इसमें कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कर लेते हैं। ले आए,
अभी इसका जो लहसुन अपना कलर चेंज कर लेगा तो क्या आप इसका तड़का डालेंगी? तड़का डालूंगी इसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा तड़का डाल के मैं आपको बताती हूँ एक बात, किसी में भी डालें, साग हो, दाल हो, कुछ भी चीज हो, इसमें तड़का डालना। तड़का डालते ही आप ढक्कन ढक दें। अच्छा तो मैं यहाँ पे लहसुन के जो क्लोव्स हैं वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं, तब तक हम रेसिपी कार्ड की तरफ चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनाब यह वक्त हुआ है रेसिपी कार्ड के रिव्यू का, तो जिनसे रेसिपी मिस हो गई है वो जल्दी से जाएं रेसिपी कार्ड का रिव्यू करके जल्दी से वापस आ जाएं। सरसों का साग, अज्जा, आटा 5 चाय के चम्मच, सरसों का साग 1/2 किलो, पालक 1 पाव, मेथी 1/2 पाव, नमक हसबे जरूरत, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 5 से 6 अदद। तरकीब, सरसों का साग, पालक और मेथी को काट कर अच्छी तरह धो लें, फिर इसमें नमक, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और हल्दी डालकर 20 मिनट तक पकाएं। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको घूंट लें या ग्राइंडर मशीन में मोटा मोटा ग्राइंड कर लें, फिर आटे को पानी में घोलकर हल्के हल्के इसमें शामिल कर लेंगे। जब ये गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद करके इसमें लहसुन का भगाड़ दें और इसे मक्खन के साथ सर्व करें। मज़ेदार सरसों का साग तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं और देखते हैं वजीहा का तड़का जो है वो कहाँ तक पहुँचा। जी ये देखिए, अब हमने इसमें गोला मिर्च डाल दिया। अच्छा अब हम ना इसको डाल के, मैं जैसे बता रही थी आपको कि भंगार डालने के बाद आप जरूर ढक्कन ढक दें 1 मिनट के लिए। अच्छा, उससे ये होता है कि खुशबू समा जाती है, जितनी चीज होती है ना, मतलब जो फ्लेवर होता है वो दूसरी चीज में आ जाता है। अच्छा, हम ढक्कन खुला रखते हैं बहुत से लोग तो वो फ्लेवर डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, इसका अरोमा जो है वो अच्छे से आ जाए सब्जियों के अंदर। मुझे वजीहा ये बताएं कि हमने इसमें, नाज़रीन को एक बार फिर से बता दी चलूं कि ऑयल जो था, ऑयल के बाद हमने इसमें लहसुन डाला था और लहसुन के बाद हमने इसमें गोल लाल मिर्च जो साबुत वाली है वो इसमें ऐड की थी, और फिर जब अच्छा सा उसका अरोमा है वो ऑयल में आ गया था तो हमने इसका तड़का लगा के 2 मिनट के लिए उसको कवर करके रख दिया था ताकि इसका अरोमा अच्छे से सब्जी में आ जाए। और ये मज़ेदार सा साग जो है वो तैयार है। इसकी फाइनल लुक हम आपको बताते हैं कि देखने में कितना मज़े का लग रहा है, ताकि आपका जो है वो देखकर ही दिल करे कि आज ही आज आपने इसको अपने किचन में बनाना है। इसे तो खाना भी चाहिए बहुत। हाँ बिल्कुल खाना। ये देखें, अब हम इसमें मक्खन डालें। मक्खन थोड़ा सा खूबसूरत लगता है रखा हुआ साग के अंदर। ये आज इसको यहाँ रख दें ताकि जो हमारे कैमरामैन्स हैं वो इसको अच्छे से हमारे नाज़रीन को दिखा सकें कि कितना मज़े का जो है इसका कलर है, रेड, ब्राउन, ग्रीन एंड वाइट मक्खन इसके ऊपर है, तो देखने से ही बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल, अगर हम ओवर कुक कर देते ना तो साग काला हो जाता। अब आप इसे टेस्ट भी करें, बिल्कुल सही होगा। मैं टेस्ट करके दिखाऊं? बिल्कुल मैं टेस्ट करती हूँ। वैसे भी ना यहाँ पे सबसे पहले कुछ भी बनता है ना तो उसको टेस्ट मैं ही करती हूँ। ये एक बेनिफिट है होस्ट के पास, बिल्कुल, वो टेस्ट करके बता सकती है कि कैसा है। गर्म होगा थोड़ा सा। वेरी नाइस, बहुत ही मज़े का है। और जो हमने इसमें मक्खन डाला है वेलवेटी फ्लेवर आ रहा है, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप आज ही इसको ट्राई करें। और आई एम श्योर अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके जो घर वाले हैं वो भी पूछेंगे भाई कहाँ से सीखा, और इससे पहले अगर आपने बनाया है किसी और रेसिपी से तो वो ये भी ज़रूर बोलेंगे कि भाई आज तुमने इसमें क्या ऐसा ऐड किया है जो ये इसका जो जायका है वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। वैसे यहाँ हमारे शो में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पहले भी बहुत अच्छा लगा था, आपने मुझे दोबारा याद किया उसमें और ज़्यादा मुझे खुशी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में वापस आई और हमारे नाज़रीन को एक नई रेसिपी जो आपने सिखाई। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और कौन सी रेसिपी है जो आप बना लेती हैं? सब बना लेते हैं जो बोला। अच्छा, जो घर वाले भी खा के फरमाइश करते हैं कि नहीं एक बार बन जाती है 2 दिन बाद फिर वही बोलते हैं कि आज फिर से यही बना लो। उनका ये होता है कि टिक्के बना दो, बलोची टिक्के बना दो, देगची वाले टिक्के बना दो। कौन फरमाइश करता है? भाई भाई बस चिकन तो मुर्गी के दुश्मन है भाई। कुछ लोग बीफ और मटन के दुश्मन होते हैं और कुछ लोग चिकन के, तो ठीक है टिक्को, इसका मतलब टिक्के बहुत मजे के बनाती है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि आपको यहाँ के टिक्के बनाने चाहिए। बिल्कुल। तो टिक्के क्या आप ओवन में बनाती हैं या चूल्हे पर? देगची में भी बनते हैं।
ग्रिल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जिसके पास जैसे कभी कभी टाइम नहीं होता, हमारे पास भी, कि हम ग्रिल करें, ग्रिल में बहुत टाइम लग जाता है, पहले कोयले करो फिर इसमें ये करो, बहुत टाइम लगता है। तो हम देगची में बनाते हैं, सेम मसाला लगाते हैं, लेकिन हम फिर जब देगची में बना रहे हो तो उसमें हम दही ऐड कर देते हैं। अच्छा, ताकि दही अपना पानी जब छोड़ेगी तो वो उसी में गल जाए। ठीक है, हम एक्स्ट्रा ऑयल या कुछ नहीं डालते। आपको पता है बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि टिक्के जो है वो कहते हैं कि हम कोयलों पर किस तरह से बनाएं, घर में तो हम नहीं बना सकते, ओवन किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता, तो देगची में कैसे बनेंगे वो वजह से हम किसी और हम एंड में स्मोक दे दें, कोयले का स्मोक देते हैं। बिल्कुल, कोयले का स्मोक देते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ग्रिल हुए हैं, कोई फर्क नहीं आता। टिक्के में भी वैरायटीज होंगी आपके पास? टिक्के में हाँ, देखिए के टिक्के, जैसे ग्रीन मसाले के टिक्के होते हैं, वाइट टिक्के होते हैं, बलोची टिक्के होते हैं, आजकल तो बलोची कढ़ाई चल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा चल रही है। उसमें बस रेसिपी सेम होती है, उसमें दही डाल देते हैं कढ़ाई में। बिल्कुल। और वैसे बलोची टिक्के जो है वो एक जगह के मिलते हैं हाईवे पे, वो बड़े मजे के होते हैं, वो बहुत अच्छे, मैंने वहीं से सीखे। अच्छा, खा के सीखे? खा के भी सीखे, फिर मैं किसी भी रेस्टोरेंट जाती हूँ ना तो वहाँ मैं जाके खड़ो के देखने लगती हूँ कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, देखती भी है, ठीक है। और जो समझ नहीं आता वो पूछ भी लेती हूँ। समझ आ जाता है, वो देख देख के फिर टेस्ट से भी पता चल जाता है ना। सब जी जनाब, तो वजिया को हम फिर से बुलाएंगे और अब हमने वजिया से यहाँ पर टिक्के सीखने हैं। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है अब ख़त्म होता है, जाने का दिल तो नहीं करता लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना भी ज़रूरी है। जाएंगे तो दोबारा वापस आएंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, नई शेफ़ के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपनी होस्ट शोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।